अभी मैंने पिछले वीडियो में प्रावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम बताए, सघन माध्यम और विरल माध्यम की बात की। जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। आइए इस घटना पर एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, होता क्या है। जब ये सघन है, ये कांच है, मिरर है, तो ये सघन है। सघन जब ऊपर से किरणें यूं आ रही थी तो यहां पर अभिलंब हो तो ये जो एंगल था इससे इधर का एंगल बड़ा होगा। ये नियम है, ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम में जब किरणें जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, तो ये विरल माध्यम का रूल हुआ। अब और थोड़ा सोचिए इस पर, इस एंगल को बढ़ाएं, इस एंगल को थोड़ा सा बड़ा कर दें, मतलब इस किरण को यहां से डालना शुरू करें तो ये और दूर चली जाएगी। मतलब जो एंगल ये वाला होगा उससे ये वाला एंगल बड़ा होगा। हम और बढ़ाते हैं और इतना बढ़ा देते हैं कि ये किरण 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे, ये इसी पर निकल जाए। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जब 90 डिग्री का एंगल बन जाए, जबकि इधर 90 नहीं है, इधर 90 नहीं है, इधर कम है, क्योंकि इस एंगल से इस एंगल को बड़ा होना है। ऐसा एंगल जिसमें अपवर्तित एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाए, मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री का हो जाए, तब इस एंगल को जो अपवर्तित किरण थी, आपतित किरण थी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल, ऐसा एंगल जिसके लिए अपवर्तित एंगल 90 डिग्री का हो जाए, अब ये भी तो कोई एंगल होगा ही ना, तो ये एंगल, जब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो इस एंगल को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, स्पेशल कोण है ये, क्रांतिक कोण हो गया। अब क्रांतिक कोण क्या हुआ, डिफिनेशन याद हो गई कि जिसके लिए, ऐसा एंगल जिसके लिए जो अपवर्तित कोण है वो 90 डिग्री का हो जाता है, तब उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। याद रखिएगा कि ऐसा जब हम ये एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो यहां पर जो भी एंगल बनता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर। अब आइए देखिए, अगर और थोड़ा सा हम बढ़ाएं तो क्या होने वाला है, थोड़ा सा इस एंगल को जो क्रांतिक कोण था उससे बड़ा कर दें, तो ये एंगल, ये किरण हम यहां से निकाल देते हैं, मतलब थोड़ा सा ये एंगल को बढ़ाते, अब क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, जितना उधर बढ़ता जाएगा अपवर्तित किरण उतना ही बढ़ती जाएगी, अब वो और बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद अब क्या होने वाला है, अब ये उसी माध्यम में, जिस माध्यम में किरण आ रही थी उसी माध्यम में जाने लगेगी, तो इस समय होना क्या था, अपवर्तन, लेकिन जब उसी माध्यम में किरणें जाती हैं तो उसका नाम बदल जाता है और हो जाता है परावर्तन। तो ये परावर्तन का रूल लग गया यहां, तो ये परावर्तन हो गया। अब इसको जिसमें उसी माध्यम में अपवर्तन होना था, अपवर्तन के नियमों का पालन करती हुई किरण उसी माध्यम में जब जाने लगे, तब एक विशेष घटना हो गई, तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब ये कांच था, सघन माध्यम था, ये इतना एंगल आपतन कोण बढ़ गया कि जिसके लिए परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो उसी माध्यम में, ये कांच था तो कांच में ही ये किरण जाने लगेगी, तो इसको कहते हैं, इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसी घटना पर आधारित एक प्रश्न है, गर्मी के मौसम में तपती धूप में रोड पर जब आप निकलें तो दूर देखें, काफी दूरी पर ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर
बरसात हो रही है, वहां की सड़क गीली गीली नजर आती है, और जब हम वहां पहुंचते हैं तो वो गीलापन खत्म हो चुका होता है। तो मुझे वो बात याद आती है कि खुशबू आती है तो मृग पूरे जंगल में उस खुशबू को ढूंढता है और होती उसके पास है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन मार, जंगल में ढूंढता है वो। तो एक भ्रम एक पैदा हो जाता है कि क्या होता है, इसको मैं इसके बाद वाले वीडियो में डालूंगा, देखिए जिसमें ये भ्रम कैसे होता है, कैसे पानी दिखता है। जब वहां पहुंचते हैं हम तो पानी वहां तो होता ही नहीं है, वो और आगे जितना आप तेजी से जाते हैं उतना पानी भी आगे ही आगे जाता है। उसकी तलाश में आप दौड़ें कि हम पानी को पा जाएंगे तो वहां तो पानी होता ही नहीं। इस घटना को इसके बाद वाले वीडियो में मैं डालने वाला हूँ, उसको देखिए और समझिए। मैं थोड़ा कम समय के वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आपके पास थोड़ा भी समय है तो इस जानकारी को आप लेते रहें, अपने अन्य दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को इन जानकारियों के लिए बताइए उन्हें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए लोगों को और लाइक भी कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।